HST, इट मीन्स हिस्ट्रोसल्फिंगोग्राफी। हिस्ट्रोसल्फिंगोग्राफी कब कराना चाहिए, कौन से डे पर कराना चाहिए, इसका यूज़ क्या है कराने का, कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि कब आपको ये टेस्ट नहीं कराना चाहिए, तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे HSG के बारे में। आई एम डॉक्टर शिवानी और इस चैनल पर मैं बात करती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। एंडोमेट्रोसिस, एडिनोमायसिस, इररेगुलर पीरियड, PCOD की कंडीशन, इनफर्टिलिटी, इन सब में क्या क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ये कोई फ्री कंसल्टेशन नहीं है, इसके लिए आपको पे करना रहेगा। अगर आप मुझसे डायरेक्ट मिलना चाहते हैं तो हॉस्पिटल आकर विजिट कर सकते हैं, हॉस्पिटल का एड्रेस भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, उसके साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। HST, इट मीन्स हिस्ट्रोसल्फिंगोग्राफी। तो अगर आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेने के लिए डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर आपको एक टेस्ट सजेस्ट करता है HSG, तो HSG टेस्ट क्या है? इस टेस्ट से पता चलता है कि जो आपकी ट्यूब्स हैं वो ओपन हैं या फिर नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ट्यूब में आकर होता है। जो आपका एग है और स्पर्म है वो दोनों कहाँ पर आकर मीट होंगे? ट्यूब्स के अंदर। तो आपकी ट्यूब्स का ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी ट्यूब्स ओपन हैं या फिर नहीं है ये इस टेस्ट के थ्रू पता किया जाता है, इसीलिए आपके डॉक्टर इस टेस्ट को करने के लिए एडवाइस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस टेस्ट के क्या और भी बेनिफिट्स हैं। तो यस, एक तो इस टेस्ट से ये पता चलता है कि जो आपकी ट्यूब्स हैं वो ओपन हैं या फिर नहीं है। दूसरा, अगर यूट्रस में किसी भी तरह की कोई एबनॉर्मेलिटी है तो उसका भी पता चलता है। फॉर एग्जांपल, कई सारे कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन होते हैं यूट्रस के अंदर, जैसे कि यूट्रस में दो कैविटी का प्रेजेंट होना जिसको हम बाइकॉर्नेट यूट्रस बोलते हैं, या फिर जो यूट्रस का फंडस एरिया है, ऊपर वाला एरिया है, वो प्रॉपर ना होना, आर्कुएट यूट्रस होना, या फिर वहाँ पर कोई सेप्टम का प्रेजेंट होना तो उसको सेप्टेट यूट्रस बोलते हैं। तो इस तरह की अगर कोई भी कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी यूट्रस के अंदर प्रेजेंट है तो वो भी हमको इस टेस्ट के थ्रू पता चल जाता है। यूट्रस के अंदर अगर किसी भी तरह का पॉलिप प्रेजेंट है या फिर ट्यूब्स में हाइड्रोसल्फिंग की कंडीशन है, इट मीन्स ट्यूब्स में पानी का भरना, या फिर सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड कोई प्रेजेंट है, तो वो सारी चीज़ें भी इस टेस्ट के थ्रू पता की जा सकती हैं। हाइड्रोसल्फिंग्स क्या है उस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इस टेस्ट के थ्रू हमें इतनी सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। अब हम बात करते हैं कि ये टेस्ट एक्चुअल में कराया कब जाता है। तो ये जो टेस्ट है वो आपके पीरियड्स होने के बाद में कराया जाता है, तो यूजुअली day 6 से day 10 के बीच में ये टेस्ट किया जाता है। पीरियड्स के दौरान ये टेस्ट बिल्कुल नहीं किया जाता है, तो यूजुअली जो पीरियड्स रहते हैं 4 to 5 days में फिनिश हो जाते हैं, तो उसके बाद में आप ये टेस्ट करा सकते हैं। बट अगर आपको पीरियड्स ज़्यादा दिन तक रहते हैं, 7-8 days तक रहते हैं, तो उसके बाद में फिर आपको वो टेस्ट कराना है। अब हम बात करते हैं कि इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कब ये टेस्ट आपको नहीं कराना चाहिए। तो पेल्विक एरिया में अगर आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, फॉर एग्जांपल अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उस टाइम पे ये टेस्ट ना कराएं, पहले अपने वाइट डिस्चार्ज की कंडीशन को ठीक करें, उसके बाद में ये टेस्ट कराएं। क्योंकि अगर पेल्विस में इन्फेक्शन है तो यहाँ इस टेस्ट में क्या होता है कि डाई अंदर से इंसर्ट की जाती है और फिर देखा जाता है वो जो डाई है वो यूट्रस में होती हुई ट्यूब्स में जा रही है या फिर नहीं। तो अगर वहाँ आपको वेजाइनल एरिया में कोई भी इन्फेक्शन है तो वो ऊपर की तरफ जाने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो इसीलिए अगर आपको पेल्विस में कोई भी इन्फेक्शन है तो ये टेस्ट ना कराएं। या फिर अगर आपको इररेगुलर ब्लीडिंग की कंप्लेन है, स्पॉटिंग हो रहा है, तो उस टाइम में भी इस टेस्ट को अवॉइड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो HSG से रिलेटेड रहता है कि क्या ये पेनफुल प्रोसीजर है, तो यस, इस टेस्ट को कराने के बाद में पेन ज़रूर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो डाई इंसर्ट की जा रही है और वो डाई जब अंदर जाएगी तो उसकी वजह से आपको पेन की कंप्लेन रहेगी। बट टेस्ट होने के बाद में आपको कुछ पेन किलर्स दिए जाते हैं जिससे जो आपका पेन है वो सबसाइड हो जाता है। तो अगर आपके इस टेस्ट में आपकी ट्यूब्स ब्लॉक आई हैं तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदिक प्रोसीजर बिना किसी ऑपरेशन के आपकी जो ट्यूब्स हैं वो ओपन हो सकती हैं। इस पर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की।